हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए, मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है हाउ टू राइड योर बाइक, मतलब किस तरीके से आप अपनी बाइक को चलाएंगे जिससे बाइक भी सेफ रहे और आप भी। तो चलो ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, डीएम आते हैं, कई बार कॉमेंट्स आते हैं। तो क्या होता है कि एक कमेंट के चक्कर में तो एकदम वीडियो नहीं बना जाती, बहुत सारे कमेंट जो होते हैं सिमिलर आ जाते हैं, तो एक टॉपिक समझ में आता है कि हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, तो ये चीजें जो है ईजी हो जाएंगी मेरे लिए, आपको समझाने के लिए और प्लस आपको समझने के लिए, ठीक है जी। और आपके डाउट जो है वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो सारे के सारे चीजें जो मैंने अपने रजिस्टर पर नोट डाउन कर दी है, तो वो क्वेश्चन जो है आपके मैंने जो ग्रैप करे हैं, मोटे मोटे तीन क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों के ग्रैप किए हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है आपको बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भाई छोटे गियर में बाइक चलाने से नुकसान बाइक को होता है या नहीं, या फिर कोई फायदा होता है। पहला क्वेश्चन तो ये है, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका था कि छोटे गियर पे गाड़ी चलाने से क्या होता है। और दूसरा आप लोगों का क्वेश्चन ये था कि गियर लगाकर हम गाड़ी कई बार बंद कर देते हैं या फिर गियर में ही गाड़ी स्टार्ट करते हैं या फिर चलाते हैं, तो क्या होता है कि इंजन खराब होता है या नहीं होता, या उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपका ये था जो बहुत ज्यादा कॉमन है, अभी पिछले कुछ वीडियो में आया है कि भैया मॉनसून स्टार्ट हो गया, तो मॉनसून में अपनी जो ब्रेक्स होती है वो किस तरीके से अप्लाई करें, थोड़ा आप समझा दो। आपने बाइक चलाई दिखाई उस दिन मॉनसून वाली राइड वाली, जिस दिन मैंने बाइक चलाई थी तो जिस तरीके से मैं चला रहा था, मेरे राइडिंग स्किल्स, तो वो कहते कि भैया थोड़ा सा हमें भी शेयर करो। तो इसलिए मैं सोचा कि चलो ठीक है, इस टॉपिक को भी कवर करते हैं, बिकॉज मॉनसून जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप कहोगे तो मॉनसून में अपनी बाइक की केयर कैसे करते हैं, बारिशों में अपनी बाइक को कैसे मतलब केयर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, बारिशों में कैसे बाइक चलाएंगे, वो सबके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और बारिश में मतलब बारिशों के सीजन में अपनी बाइक की किस तरीके से केयर करते हैं, उस टॉपिक के ऊपर चाहोगे तो वो भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आज की वीडियो के तीन सवाल जो मैंने मोटे मोटे उठाए उनको स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल यही था आप लोगों का कि छोटे गियर में बाइक चलाने के फायदे और नुकसान क्या होते हैं। तो दोस्तों फायदा तो कुछ नहीं होता, फायदा बस यही होता है कि अगर आप हिली एरिया पे हो तो ऑब्वियसली बात है आपको छोटा गियर की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपको बाइक को उठाना है, इनिशियल स्टार्ट करना है, तो बेसिकली इनिशियल आपको रनिंग में या फिर एक मोमेंटम बनाने में आपको छोटे गियर की जरूरत पड़ती है, जिसमें थोड़ी सा आपको टॉर्क अच्छा खासा मिलता है, पावर मिलती है बढ़िया। लेकिन अगर आप उन्हीं गियरों को लंबे लंबे स्ट्रेच लेने लगोगे, लाइक आपको 2-3 किलोमीटर जाना है, 2-3 किलोमीटर आप एक ही गियर खींच रहे हो, दूसरा या फिर पहला उस पर चला रहे हो, तो भाई ऑब्वियसली बात है आपकी गियर बॉक्स जो होता है बाइक का उस पर इफेक्ट पड़ने वाला है, आपकी क्लच प्लेटें खराब होने वाली है, और सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि आपकी बाइक माइलेज कम देगी। जी हाँ दोस्तों, आपका पेट्रोल जो है वो भी बहुत ज़्यादा जाने वाला है, ये बात फैक्ट है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि ट्रैफिक में तो हम क्लच दबाते हैं और रेस छोड़ते हैं फिर रेस देते हैं, तो उसमें क्या है कि अप एंड डाउन होते हैं, बट इतना लंबा स्ट्रेच नहीं देते आप लोग। लेकिन अगर आप उसी में ही ज़्यादा स्ट्रेच दोगे तो ऑब्वियसली पता है इंजन ज़्यादा लोड लेगा, और ज़्यादा लोड लेने की वजह से इंजन की भी लाइफ खराब होती है, क्लच प्लेटों पर भी असर पड़ता है, और जो गरारियाँ होती हैं उसके जो फ्रिक्शन होता है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि गरारियों के अंदर ना एक खुरदरापन होता है, जो गियर बॉक्स होता है, गरारी होती है, गियर जो होते हैं उसमें खुरदरापन होता है। अगर ज़्यादा चलाओगे, ज़्यादा यूज़ होंगे वो, तो ज़्यादा यूज़ होने की वजह से उसमें चिकनाहट आ जाएगी, इससे आपको गियर डलने में उतरने में परेशानी होगी, जो कि आप कभी कभी फेस भी करते होंगे। तो मेक श्योर आपको ये ध्यान देना है कि छोटे गियर पर ज़्यादा लंबी बाइक नहीं चलानी है, एम आई राइट। और अगर आप बात समझ गए तो वीडियो को लाइक कर देना, और लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का मोस्टली ये आया है कि भैया अगर हम बाइक गियर में ही बंद कर देते हैं या गियर में ही स्टार्ट करके बाइक को आगे चलाते हैं तो उससे क्या नुकसान होते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि देखो, अगर आप बाइक गियर में बंद करोगे तो गरारी आपकी फंसी की फंसी रह जाती है, ठीक है, तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो गियर बॉक्स है ना वो एक तरह से ऐसे जकड़ा हुआ रहता है, मतलब समझ लो कि गरारी गियर पर चढ़ी भी होती है, न्यूट्रल नहीं होती, फ्री नहीं हो पाता, लेकिन आप उसी में उठाते हो। अब आप दूसरे में या तीसरे में बंद कर रहे हो या चौथे में बंद कर रहे हो, तो कई बार मैंने ऐसे देखा है कि बंदे जिस गियर पे गाड़ी बस सेल्फ मारा और बस ऐसे बढ़ाते हैं, उसमें क्या होता है क्लच तो आराम से छोड़ते हैं लेकिन रेस भर के देते हैं, उससे सीधा इफेक्ट क्या पड़ता है क्लच प्लेटों पे। तो मेक श्योर जब भी आप बाइक को उठा रहे हो, इनिशियल स्टार्ट कर रहे हो, तो भाई उसको या तो न्यूट्रल कर लो या फिर न्यूट्रल करके ही गाड़ी बंद करो, सबसे बेस्ट रहेगा। मेरे खुद के दोस्त है भाई, नाम मैं गिनवाऊँ तो अच्छा ही लगेगा, उनको शर्म आ जाएगी इस वीडियो देखकर, अगर तुम लोगों को शर्म आ रही ना तो भाई तो कमेंट कर देना कि हाँ भाई हम ही हैं। तो मेरे कुछ एक दो दोस्त ऐसे हैं जो ज़्यादातर मतलब गाड़ी जो है गियर में बंद करते हैं, मतलब वो राइडर हैं, समझ रहे हो किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप समझ गए तो कमेंट चुका ना, मतलब काफ़ी सारे राइडर मतलब कर चुके हैं, वो काफ़ी ज़्यादा करीब है मेरे।
तो वो लोग ऐसे हैं कि अपनी बाइक ना हमेशा गियर में बंद करते हैं और गियर में उठाई और उसी में चल देते हैं। ये इनकी भी गलती है और काफी लोग मुझसे पूछते भी हैं। तो भाई उसका सीधे सीधे इम्पैक्ट आपके गियर बॉक्स पे जाता है, आपके इंजन पे जाता है, साथ के साथ आपकी क्लच प्लेटें भी लोड लेती है। क्योंकि आप सोचो कि तीसरे गियर में या दूसरे गियर में बाइक है तो उसमें क्या है कि आप एकदम से चलाओगे तो ऑब्वियस बात है क्लच तो कम छोड़ोगे, ज्यादा छोड़ दो तो गाड़ी बंद हो जाएगी। लेकिन क्या होता है उस केस में कि आप क्लच आराम छोड़ते हो और रेस भर के देते हो और उस वजह से हमारी क्लच प्लेटें जो है वो हीट कर जाती है और उससे क्लच प्लेटों की लाइफ कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी क्लच प्लेट खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये हार्मफुल चीज है, ये आप ना करना, इसका कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला सिवाय नुकसान के। और ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर दिया तो हाय राम कि हे भगवान या अल्लाह पाक क्या बात कर दी मतलब इंजन खत्म हो जाएगा। नहीं, ये चीजें अगर कंटिन्यूसली होंगी, बार बार होंगी, आप किसी चीज को दोहराओगे तो ऑब्वियसली बात है उसका परिणाम क्या होगा कि आपका इंजन खराब हो जाएगा, आपके पैसे खर्च होंगे। कुल मिला के ये है। तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे जो कि लास्ट क्वेश्चन रहने वाला इस वीडियो का। छोटी सी वीडियो बनाइए ताकि आपको नॉलेज दे पाऊं घर बैठे, ठीक है, आप समझ पाओ। वीडियो मोटिफिकेशन मोटो ब्लॉग्स तो आप देखते रहते हो, उससे आपको काफी चीजें सीखने मिलती है, एंटरटेन होता है बंदा। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे आपको भरपूर नॉलेज मिलने वाली है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है कि बारिश के सीजन में हम ब्रेक कैसे अप्लाई करें जिससे हम सेफ रहें, बाइक गिरे ना और चोट वोट ना लगे। तो सीधी सी बात यह है, अगर आप देख रहे हो बाइक चला रहे टाइम के आगे पानी पड़ा हुआ है, कहीं पे वाटर स्टॉप हो रखा है, मतलब होता है जमा हुआ पानी है, और वहां से आपको निकलना है तो वहां पे स्किड नहीं मारनी है बाइक को, या फिर आपको ब्रेक कैसे अप्लाई करनी है। सबसे पहली चीज तो ये कि आप क्लच दबा के ब्रेक नहीं मारोगे, वो भी फ्रंट वाली, वो कभी मत मारना। दूसरी, अगर क्लच दबा के अगर ब्रेक मार भी रहे हो तो रियर की मारना, वो भी एकदम भर के नहीं, हल्का सा एक इशारा देना जब आपको लगे कि बाइक रुकने वाली है, तो जैसे ब्रेक दब रही है समझना तालमेल को, ये क्लच दबा हुआ है और ये पैडल है ब्रेक का। जब आप क्लच दबा रखा है और ये ब्रेक दब रही है तो क्लच भी रिलीज करते जाना, उससे क्या है कि एक तरह से थोड़ी सी इंजन ब्रेकिंग होगी, क्योंकि काफी लोग इंजन ब्रेकिंग नहीं कर पाते हैं। अगर आप कहोगे इंजन ब्रेकिंग के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा, वो तो खैर मोटो ब्लॉग करके ही समझा पाऊंगा, ऐसे मतलब मुंह जबानी नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन ये कि वो उसमें आपको प्रैक्टिकली सिखाना पड़ेगा। बट अभी आप समझ लो कि जैसे जैसे अगर आप क्लच दबा के पीछे ब्रेक मारते भी हो तो जैसे पैडल दबाओगे सेम वैसे ही, मतलब इधर दबा रहे हो उधर रिलीज कर रहे हो, तो दोनों चीज का तालमेल इक्वल होना चाहिए, उससे आप बिल्कुल भी गिरोगे नहीं, ना ही स्किड लगने वाली है। अगर आपको क्लच नहीं दबा रखा आपने और फिर भी ब्रेक मारनी पड़ रही है तो भाई मेक श्योर आपकी गाड़ी गियर में होनी चाहिए और रियर ब्रेक यूज करो, और थोड़ी बहुत आप फ्रंट ब्रेक यूज कर सकते हो अगर आपके फ्रंट टायर में ग्रिप है तो। अगर आपका टायर घिसा हुआ है तो बिल्कुल भी मत यूज करना, क्योंकि क्या होता है पानी की वजह से टायर हमारा स्लिपरी हो जाता है, और ग्रिप कम होने की वजह से, ग्रिप कम कब होती है जब टायर घिस जाता है, और जब टायर घिस जाता है तो उसके अंदर हार्डनेस आ जाती है, उसके अंदर का जो ल्यूब्रिकेंट होता है जिसमें तेल बोलते हैं बेसिकली, टायर के अंदर भी तेल होता है, अगर वो खत्म हो जाता है टायर में चटक आने लगती है, टायर में थोड़ा सा ना मतलब बोलूंगे स्टिफनेस आ जाती है, रबड़ में सॉफ्टनेस खत्म हो जाती है, तो वो भी काफी ज्यादा टायर जो है स्लिपरी हो जाता है उनके उसमें, ठीक है। और बाकी स्लशी एरिया जब आता है तो आप पीछे का ही ब्रेक यूज करो, ज्यादातर वही आपके लिए सेफ रहेगा, और अगर आपने फ्रंट ब्रेक यूज करा तो आप गिर सकते हो 110%, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर सब्सक्राइब करना है बाकी। तो दोस्तों अगर आप कहोगे तो बारिशों में ज्यादातर क्या होता है, बाइक्स बंद होती हैं, आपने देखा होगा, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आप बाहर लेके निकले या फिर बाहर बाइक खड़ी है बारिश में और आपको कहीं जाना पड़ रहा है, आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, तो बारिशों में आपकी बाइक बंद ना पड़े ऐसा क्या करें। तो अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कि भाई बारिशों में बिल्कुल भी आपको मुशक्कत ना करनी पड़े, अपनी बाइक के साथ खिलवाड़ ना होने दें और ना ही करें आप, मतलब होता है ना कि ठीक बाइक को भी आप मैकेनिक के पास ले जाते हो, छोटी चीज होती है वो आपको नहीं पता होती है, मैकेनिक अपना अच्छा खासा बिल बना लेता है, तो आप चाहते हो कि ऐसा कुछ ना हो आपके साथ, आप घर बैठे ही इसका सोल्यूशन निकाल लें इस, और आगे आपको परेशानी ना हो, तो अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना कि हाँ भाई नेक्स्ट वीडियो बारिश में बाइक बंद ना हो इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए स्टडी करूंगा प्रॉपर, और अपने एक्सपर्ट मैकेनिक से बात करके जो भी वो बताएंगे मैं उसी को एक्सप्लेन मतलब नोट डाउन करके आप लोगों को शेयर कर दूंगा, वो चीजें वो टिप्स जो होंगी वो आपको शेयर करूंगा। बिकॉज देखो आपको पता है कि मैं मैकेनिक नहीं हूँ, बट ये है कि हाँ मैं मैकेनिकों के साथ रहता हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे मैकेनिक लिंक में हैं जो बहुत अच्छा काम जानते हैं, तो क्या है मेरा उनसे मिलना मिलाना होता रहता है, बात होती है फोन पे, तो इससे क्या होता है मुझे नॉलेज मिलती है, प्लस जब भी मैं बाइक ठीक करना चाहता हूँ तो मैं 10 चीजें पूछता हूँ, तो इस वजह से थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर नेक्स्ट वीडियो चाहते हो कि बारिश में बाइक बंद ना हो तो उस टॉपिक के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा और चैनल पर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।